हॉरर कहानियाँ थी। शापित घर। ये शमशान घाट की तरफ जाने वाली सड़क थी। उस घनघोर काली रात में हो रही मूसलाधार बरसात उस रात को बेहद खतरनाक बना रही थी। मूसलाधार बरसात के साथ चल रही तेज आंधी माहौल को मनहूसियत से भर रही थी। उसी वक्त एक लाल रंग की कार में केशव सक्सेना अपनी पत्नी प्रीति और 9 साल की बेटी ईशा के साथ उस सड़क पर तेज़ रफ्तार में चला जा रहा था। बाहर का माहौल देख ईशा और प्रीति दोनों के ही चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। केशव, ये कहाँ घर लिया है तुमने? मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर निकल आए हैं। किसी से पूछ क्यों नहीं लेते? तुम्हें लगता है इस आंधी और बरसात में कोई होगा जिससे मैं रास्ता पूछ सकूं? मैंने अपने फोन में चेक किया है, ये देखो यही रास्ता दिखा रहा है। पापा वो देखो, वहाँ एक आदमी नजर आ रहा है, उस सड़क पर चलिए ना, हम उससे रास्ता पूछ लेते हैं। केशव कार की स्पीड कम कर लेता है और रोड के साइड में खड़े उस आदमी के पास जाकर अपनी कार रोकता है। उस आदमी का चेहरा दूसरी तरफ था। अरे भाई साहब, ये एड्रेस बताएंगे जरा, ये बंगलो नंबर 13 किस तरफ पड़ेगा? वापस घूम जाओ, ये रास्ता मौत की तरफ जा रहा है, इधर सिर्फ मुर्दे और लाशें ही मिलेंगी, वापस घूम जाओ। लेकिन भाई साहब, यहाँ ये फोन में तो यही डायरेक्शन दिखा रहा है। तभी केशव देखता है उसके फोन में डायरेक्शन चेंज हो जाती है और मैप पर यू टर्न दिखाई देने लगता है। अरे ये क्या, अभी तक तो डायरेक्शन इधर ही थी, अभी ये यू टर्न? शायद ये भाई साहब ठीक ही कह रहे हैं। केशव चलो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। जैसे ही प्रीति ने केशव को वापस चलने के लिए कहा तो अचानक वो आदमी भयानक तरीके से हंसने लगा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दूसरी तरफ ही था। उसके खौफनाक हंसी सुनकर केशव, प्रीति और ईशा बुरी तरह से घबरा गए। केशव ने जल्दी से कार को घुमा लिया। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाने लगा, जाओ वापस जाओ, ये रास्ता शमशान की तरफ जाता है, इधर मौत है, सिर्फ मौत। मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब उसके कहर से तुम्हें कौन बचाएगा? बंगलो नंबर 13 यानी मौत का घर, मौत का घर। लेकिन तब तक केशव काफी दूर निकल चुका था, उसने उस आदमी की बात नहीं सुनी। कुछ देर के बाद जैसे ही केशव की कार आगे बढ़ी, सामने सिर्फ अंधेरा था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कार की लाइट के सामने उबड़ खाबड़ रास्ते को देख केशव और उसकी फैमिली को एक अजीब सा डर सताने लगा। तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की और उस बिजली के उजाले में केशव को सामने एक घर दिखाई दिया। फ़ोन के मैप में भी अब वहीं की लोकेशन दिखाई दे रही होती है। केशव ने कार को रोक दिया। जैसे ही केशव की कार वहां रुकी, अचानक से बारिश बंद हो गई, आंधी तूफान भी रुक गया और रोड की लाइट भी जलने लगी। चारों तरफ अचानक से तेज उजाला हो गया। अरे ये क्या पापा, आपकी कार रुकते ही चारों तरफ रोशनी हो गई। केशव मुझे कुछ ना कुछ अजीब सा लग रहा है, और ये घर, ये इतने सुनसान इलाके में क्यों है? यहाँ आसपास कोई रहता नहीं है क्या? प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे बताया था कि ये एरिया नया डेवलप हुआ है, लेकिन यहाँ तो वाकई में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। आई थिंक हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हम एक रात किसी होटल में रह लेंगे, यहाँ नए शहर में आते ही सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। नहीं प्रीति, तुम डरो मत, मैं हूं ना, और अब इतनी रात में कोई होटल भी तो नहीं मिलेगा। डरते हुए प्रीति केशव और ईशा के साथ घर के अंदर जाती है। वो देखते हैं कि घर पूरी तरह से सजा हुआ है, सारा सामान अपनी जगह पर इस तरह व्यवस्थित था जैसे वहाँ कोई रहता हो। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ एक औरत की पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मम्मा, क्या आपने भी किसी के पायलों की आवाज़ सुनी? हाँ बेटा, ऐसा लगता है जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो, लेकिन यहाँ तो हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। अब पायलों की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। केशव भी अब बुरी तरह घबराने लगा।
तभी एक औरत वहां आती है जिसका चेहरा एक लंबे घूंघट से ढका हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? मैं आपकी नौकरानी हूँ मालिक। कितने बरसों से यहाँ अकेले इस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। आज इस सुनसान घर में पूरे 100 साल के बाद किसी के कदम पड़े हैं। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? 100 साल? लेकिन तुम 100 साल से यहाँ? मेरा मतलब ये क्या कह रही हो तुम? केशव चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वो औरत अपने चेहरे से घूंघट हटा देती है। उसके जले हुए चेहरे पर कीड़े बिलबिला रहे होते हैं। मांस के लौथड़े निकल निकल कर बाहर आ रहे होते हैं। ये देखकर केशव, प्रीति और ईशा डर से चीखने लगे। उन्होंने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, तभी अचानक चारों तरफ से कई लोगों के एक साथ बेहद डरावने तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। इस बंगलो नंबर 13 में एक बार आने के बाद कोई वापस नहीं जा सका। तुम कहीं नहीं जा सकते, ये घर शापित है, इसे मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति तुम तीनों के खून की बलि से मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो हमें। अब वो पूरा घर लाशों से भर जाता है। चारों तरफ घायल और सड़ी हुई लाशें नजर आने लगती है। कौन है ये लोग और तुम हमसे क्या चाहती हो? ये सब वो लोग हैं जो इस बंगलों में रहना चाहते थे, लेकिन कभी बंगलों के अंदर तक नहीं आए। कोई इस सुनसान सड़क से तो कोई इस बंगलों के दरवाजे से ही वापस लौट गया, लेकिन तुम लोग अंदर आ गए, तो अब तुम्हारा खून मुझे मुक्ति देगा, और उसके बाद ही ये बंगला और इसके आसपास का 5 किलोमीटर का पूरा एरिया शाप मुक्त होगा। क्या कैसा शाप? यहाँ झोपड़ी बनाकर रहती थी मैं अपने परिवार के साथ। मेरे 3 छोटे बच्चे थे, लेकिन उस सेठ ने यहाँ पर यह बंगला बनाने के लिए मेरी झोपड़ी में आग लगा दी। मैं और मेरे बच्चे उसमें जलकर मर गए, लेकिन एक माँ हूँ ना, अपने बच्चों की मुक्ति के लिए भटक रही हूँ। लेकिन मेरा परिवार ही क्यों? देखो प्लीज हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 3 बेटियां थी मेरी, 1 साल की, 3 साल की और 9 साल की, बिल्कुल तुम्हारे इस बेटे की उम्र की। मेरी दोनों छोटी बेटियों को मुक्ति मिल गई, लेकिन मेरी 9 साल की बेटी आज भी तड़प रही है, और उसके लिए मुझे तुम्हारी इस बेटी की बलि चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा होकर रहेगा। शुक्र हो मेरे पति का जिसने तुम्हें इस रास्ते भेजा। और इसी के साथ देखते ही देखते वो औरत उन तीनों के शरीर के टुकड़े कर देती है।